हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे मारुति सुजुकी की डिज़ायर के बारे में और हुंडई की ऑरा के बारे में। दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आपको कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। तो सबसे पहले डिज़ायर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 7.48 लाख रुपीज़ का स्टार्ट हो जाता है प्राइस और 10.72 लाख रुपये तक जाता है इसका टॉप एंड वेरियंट। ये ऑन रोड प्राइस है और टोटल इसमें 9 वेरियंट देखने मिल जाते हैं। LXi इसका प्राइस पड़ता है 7.48 लाख रुपीज़, ये इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है। और उसके बाद आता है VXi, मिल जाएगा 8.52 लाख रुपीज़। उसके बाद मिलेगा VXi AGS, मिलेगा 9.13 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद मिलेगा ZXi, मिलेगा 9.31 लाख रुपीज़ का। उसके बाद मिलेगा VXi CNG में, मिलेगा 9.61 लाख रुपीज़। उसके बाद मिलेगा ZXi AGS, मिलेगा 9.92 लाख रुपीज़। उसके बाद मिलेगा ZXi प्लस, मिलेगा 10.10 लाख रुपीज़ में। उसके बाद मिलेगा ZXi CNG, मिलेगा 10.37 लाख रुपीज़ पे। और लास्ट वेरिएंट मिलेगा आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट ZXi प्लस AGS मिलेगा, जो उसका प्राइस है 10.72 लाख रुपीज़। उसी की दूसरी तरफ बात करें हुंडई ऑरा के बारे में तो उसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 7.39 लाख रुपीज़ से, मिल जाएगा आपको ऑन रोड में इस वेरियंट। और 10.28 लाख रुपीज़ का मिलेगा आपको टॉप वेरियंट। इसके टोटल 7 वेरिएंट्स आपको अवेलेबल है। और सबसे पहले मिल जाता है आपको ई, मिल जाता है 1.2 पेट्रोल में 7.39 लाख रुपीज़ प्राइस है। उसके मिलेगा एस 1.2 पेट्रोल में 8.33 लाख रुपीज़ मिलेगा। उसके मिलेगा SX 1.2 पेट्रोल मिलेगा 9.21 लाख रुपीज़। उसके मिलेगा एस 1.2 CNG मिलेगा, जिसका प्राइस मिलेगा 9.42 लाख रुपीज़। उसके बाद मिलेगा SX 1.2 ऑप्शनल मिलेगा पेट्रोल में, उसका प्राइस मिलेगा 9.84 लाख रुपीज़। उसके बाद मिलेगा SX प्लस मिलेगा 1.2 में ऑटोमेटिक में पेट्रोल में, उसका प्राइस मिलेगा 10.11 लाख रुपीज़। और उसके लास्ट वेरिएंट मिलेगा टॉप एंड वेरिएंट वाला, SX मिलेगा 1.2 में CNG में 10.28 लाख रुपीज़ आपको उसका प्राइस मिलेगा ऑन रोड में टॉप एंड वेरिएंट का। अब दोनों के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं डिज़ायर के बारे में, उसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर पावर में। और आपको उसमें ऑरा मिलेगा 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर, भी इसमें भी सेम ही मिलेगा। और इंजन टाइप के अगर बात करें डिज़ायर के बारे में तो आपको उसमें मिलेगा 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन देखने को मिलेगा। और हुंडई ऑरा में हमें मिलेगा 1.2 का BI फ्यूल इंजन मिलेगा। डिज़ायर आपको पेट्रोल में देखने मिल जाती है और ऑरा आपको CNG में देखने मिल जाती है। इसके टॉप एंड वेरियंट कंपेयर करेंगे, पावर आपको मिलता है डिज़ायर में 89 BHP 6000 RPM और टॉर्क मिलता है 113 Nm का और 4400 RPM का। और सीधा दूसरी तरफ बात करें ऑरा के बारे में तो 68 BHP की आपको पावर देखने मिल जाती है 6000 RPM में और टॉर्क आपको मिलता है 95 Nm का 4000 RPM में। और माइलेज के बारे में बात करें डिज़ायर के में तो 22.71 किलोमीटर की मिलती है और ऑरा की कोई भी मेंशन नहीं है। और दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिलती है आपको। और आपको जो डिज़ायर है आपको उसमें 5 गियर मैनुअल मिल जाती है और आपको ऑटोमेटिक भी देखने को मिल जाती है। पर जो आपको होंडा की ऑरा मिलती है यह आपको सिर्फ मैनुअल में ही अवेलेबल है इसका टॉप एंड वेरिएंट। और बात करें दोनों में BS6 इंजन देखने को मिलेगा, दोनों में स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को आपको मिलेगा, दोनों में सेम ही है। बात करते हैं डिज़ायर के डायमेंशंस के बारे में तो 3995 mm का आपको इसमें लेंथ देखने मिल जाती है और 1735 mm की विड्थ देखने मिल जाती है डिज़ायर में। और हाइट मिल जाएगी 1515 mm की और व्हील बेस आपको मिलता है 2450 mm का। और बात करें हुंडई ऑरा के बारे में तो आपको सेम लेंथ देखने मिलती है 3995 mm का और आपको विड्थ में थोड़ा डिफरेंट देखने मिलेगा, और हमें मिलेगी 1680 mm का और हाइट मिलेगी 1520 mm की। हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा है और विड्थ बाकी थोड़ी कम है। और व्हील बेस आपको दोनों में सेम देखने मिलेगा 2450 mm का और हमें भी है। दोनों ही गाड़ियाँ 5 सीटर में है। और बूट स्पेस के बारे में बात करें डिज़ायर में आपको मिल जाती है 378 लीटर्स की और हमें बात करें बूट स्पेस की तो मिलती है 402 लीटर्स का। थोड़ा बूट स्पेस बड़ा मिल जाएगा आपको और हमें। और बात करें इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में डिज़ायर में तो 37 लीटर की आपको फ्यूल आ जाएगा। और हुंडई ऑरा के टैंक के बारे में बात करें CNG के तो 65 लीटर का आपको टैंक देखने मिलता है। और आपको इसमें ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको दोनों में डिस्क ब्रेक देखने मिल जाती है और रियर में आपको दोनों में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। ब्रेक में आपको कोई भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। दोनों में पावर स्टेयरिंग मिल जाएगी, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और जिन दोनों में स्पेयर व्हील मिलता है दोनों या कुछ स्टील मिलेंगे, अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। और टायर साइज़ के बारे में बात करें डिज़ायर के बारे में पहले तो 185, 65
R15 के टायर देखने मिल जाते 15 इंचेस के। और बात करें हुंडई ओरा के बारे में तो 175 और 60 और R15 इंचेस के अलावा देखने मिलेंगे। थोड़े सा को व्हील बड़े मिल जाते हैं डिज़ायर में। और बात करें इसके सेफ्टी के बारे में तो आपको 2 एयरबैग मिलते हैं आपको डिज़ायर में और 2 स्टार रेटेड है ग्लोबल एंड कैब में मिले हैं इसको। और हुंडई ओरा में 6 एयरबैग मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको इतने सारे एयरबैग ऑफर कर देती है कंपनी। और 2 स्टार मिले हैं इसको भी सेम ग्लोबल एंड कैब में। और हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है दोनों में ही, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाएगा डिज़ायर में मिलेगा, हुंडई की ओरा में आपको नहीं मिलेगा। हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा आपको डिज़ायर में और EVD मिलेगा आपको हुंडई ओरा में। दोनों में आपको ब्रेक असिस्ट देखने को मिल जाएगा, कीलेस एंट्री देखने को मिलेगी, टायर सेफ्टी लॉक्स देखने को मिलेंगे दोनों में, इंजन इमोबिलाइजर सेम मिलेगा, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिल जाएगा, रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा दोनों में, सब सेम है ये सब। अब बात करें इसके लाइट्स के बारे में तो आपको जो डिज़ायर रहेगी उसमें फॉग लैंप आपको हेलोजन देखने को मिलेंगी और बाकी पूरा LED सेटअप रहेगा इसके हेडलाइट स्टील लैंप में। और बात करें इसके हुंडई ओरा के बारे में तो हेलोजन इसमें प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा आपको फॉग लैंप वाले, और DRL देखने को मिलेगी फुली LED में, और इसकी टेल लैंप में आपको LED देखने को मिलेगी, पर जो इसकी हेडलाइट्स है वो आपको हेलोजन देखने को मिलेगी, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको फॉलो मी हेडलैम्प देखने को मिलेगा। बात करें इनकी वारंटी के बारे में तो डिज़ायर में आपको मिलेगी 2 ईयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर और हुंडई ओरा में मिलेगी 3 ईयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर्स तक का। पर दोनों की जो बैटरी है उनमें कोई गारंटी नहीं है, दोनों में ही गारंटी वारंटी कुछ नहीं मिलती है बैटरी में। और बात करें इसके अंदर इन्फोटेन सिस्टम में आपको डिस्प्ले मिलता है 7 इंचेस का मिलता है आपको डिज़ायर में, और हुंडई ओरा मिलता है 8 इंचेस का, 1 इंच थोड़ा बड़ा मिल जाएगा आपको ओरा में। स्पीकर आपको ज़्यादा मिलेंगे डिज़ायर में, 6 स्पीकर दे देती है कंपनी, और हुंडई ओरा में मिलते हैं आपको टोटल 4 स्पीकर। और जो आपको डिज़ायर है उसमें आपको GPS के मिलेंगे और वॉइस कमांड मिलेगा, और जो हुंडई की ओरा है उसमें आपको GPS देखने को नहीं मिलेगा, GPS नेविगेशन सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, बाकी इसमें वॉइस कमांड मिल जाएगा और ऑक्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले ये सारे कनेक्ट के दोनों में ही मिल जाएंगे। और बात करें इसके कलर्स के बारे में तो 7 कलर मिलेंगे आपको मारुति सुजुकी की डिज़ायर में और 6 कलर मिलेंगे आपको हुंडई की ओरा में। ये थी हमारी वीडियो दोनों के टॉप एंड वेरिएंट को जो कंपैरिजन था। मेरी ओपिनियन से तो आपको हुंडई की ओरा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आपको उसमें ज़्यादा सेफ्टी देखने को मिल जाती है, 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं और आपको कम प्राइस में देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको जैसे CNG नहीं चाहिए तो आप उसमें पेट्रोल और दूसरे वेरियंट्स में भी जा सकते हैं, जो आपको बिल्कुल सेम इंजन देखने को मिलेगा, सेम पावर देखने को मिलेगा, सब कुछ सेम देखने को मिलेगा, जरी इंटीरियर देखने को मिलेगा, वारंटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ में। तो ये थी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।